नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद रामघाट पर और आज हमारा थोड़ी दिनचर्या थोड़ी सी अलग थी, तो हम फुकरे फैमिली के परवेज साहब के साथ हैं जो कि अपने चैनल पे बहुत तरीके की वीडियोस डालते हैं, उसके अंदर व्लॉग हैं, रिव्यू हैं, और खासकर जो इनका सबसे ज्यादा अच्छा जो काम हमारे को लगता है जो अट्रैक्ट करता है एग्जैक्टली, तो वो ये है कि ये गरीबों को खाना बांटते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ कि हमने इनसे बात करी कि भाई आज हम आपकी पूरी दिनचर्या देखना चाहते हैं। तो शायद पूरे टाइम से हम सुबह से इनके साथ में ही थे, जगह जगह हम घूमे और उसके बाद हमने जो एंड पॉइंट जो चिन्हित करा वो रामघाट था। इन्होंने कहा चलो ये इनके लिए नई जगह थी, वैसे ये पुरानी दिल्ली की एरिया की तरफ जो है लोगों को खाना बांटते हैं। तो वहां से होते हम रामघाट आए और इन्होंने जो है जो भी स्टोरी प्लान करी वो देख के बहुत अच्छा लगा एंड में, कि किस तरीके से जो है 40-50 रुपए इन्होंने उसको एक गरीब औरत को जो कि चाय की दुकान वहां पर चलाती है उसको 500 रुपए दिए, विच इज रियली वेरी एक्साइटिंग और बहुत अच्छा लगा। तो अब सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका एग्जैक्टली पर्पस क्या है और ये काम जो करते हैं इसकी इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ पर मिलती है। परवेज जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। थैंक यू। तो सर, जैसे कि हम आपकी दिनचर्या देखते हैं कि आप अपना दोपहर में निकलते हैं, लोगों को खाना वगैरह बांटते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? सर, दरअसल ऐसा है, मेरा यूट्यूब चैनल है फुकरे फैमिली। मैंने चैनल में मैं अपना फूड ब्लॉगिंग करता था और सेकंड फूड चैलेंज करवाता था। जी जी जी। तो फूड चैलेंज के अंदर ये होता है जितने भी लोग, मैं कहीं खड़ा हो गया जहाँ पर 10-15 लोग खड़े हैं, वहां पर मैं लोगों से बोलता था आइए फूड चैलेंज करिए, एक मिनट में खाइए, और फ्री खिलाता था सबको। जी। और जो जीतता था उसे गिफ्ट देता था, पैसे बांटता था बस। मगर सर, कुछ दिनों बाद मुझे कुछ एहसास हुआ कि भाई खिलाओ तो उन्हें जिनके पेट में कुछ हो ना। अब खाए हुए लोग को हम खिला रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपना जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा काम करा जाए जिससे को दुआ भी मिले और दिल को शांति सुकून भी मिले। फिर मैंने टारगेट करा एजुड लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं जो कमा नहीं सकते और वो भीख भी नहीं मांगते किसी से। अच्छा। सिर्फ मैं डेली ऐसे लोगों में खाना बांटता हूँ, ढूंढना पड़ता है मुझे ऐसे लोगों को जाकर जो बुजुर्ग होते हैं। बहुत तरह की सबके साथ एक एक कहानी है सर, मैं आपको बताऊंगा, शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे मगर मैं बता नहीं सकता। बाकी हर इंसान के पीछे एक कहानी है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा उनकी कहानियां मैं सबके सामने लाने की कोशिश। जी जी जी। देखिए, सबकी जिंदगी में दुख तकलीफें सबके साथ ही होती है और वो बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, वो किसी से भीख भी नहीं मांगते और कभी कोई खाना दे जाता है तो खा लेते हैं, कोई नहीं देता बेचारे भूखे सो जाते हैं, दो दो दिन खाना नहीं मिलता भूखे सो जाते हैं। और एक दफा तो मेरे साथ ऐसा चांस हुआ, मैं किसी को खाना देने जा रहा था राजघाट पर, मेरी वीडियो के अंदर है, तो मैंने सिर्फ अपनी स्कूटी लगाई वहां पर स्टैंड पर, वो बुजुर्ग दूर से बोले, फर्स्ट टाइम की बात है, बोले खाना लिया है तुम मेरा? मैं सरप्राइज, मैंने कहा क्या बोल गए? मैंने कहा बाबा क्या हुआ? कह रहे खाना लाया हो ना तुम मेरा? मैंने कहा बाबा आपको कैसे मालूम? कहने लगे नहीं, मुझे ऊपर वाले ने बोला था तू यहीं बैठ, तेरा खाना आने वाला यहीं पर। मैं ऐसा शॉक, मैं कह नहीं सकता आपसे, अच्छा भी लगा, मैं थोड़ा सा मैं घबराया। मैंने कहा यार, कहने लगा आप मेरे लिए खाना लाया, मुझे ऊपर वाले ने बोला था कि आप आने वाले हो खाना। मैंने कहा और देखिए तो सही बात है, खाना पानी ये हर चीज तो सबके नसीब के साथ लिखी है। जी जी जी। कौन किसके जरिए किसको मिल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। एक दुकान पे अगर 10 कारीगर होते हैं, 10 लेबर होती है, एक मालिक, पता नहीं मालिक के नसीब से ना चले कि किस लेबर के नसीब से वो दुकान चल रही है, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कितनी खूबसूरत एक तरीका निकाला है लोगों को सामान बांटने का, उनको खाना बांटने का, और स्पेशली इन्होंने अपने जो है इस व्लॉग के अंदर हमारे को ये बताया था कि ये चिन्हित करते हैं सिर्फ जो ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि जवान लोगों के लिए तो इनकी तरफ से ये मैसेज रहता है कि अगर आपके हाथ पर सलामत है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो थोड़ा सा और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो परवेज साहब, आप हमें सिर्फ ये भी बताइए आप कि देखिए कोई भी काम होता है उसके अंदर कोई ना कोई डिफिकल्टीज जरूर होती है, तो आपने इस काम के अंदर ड्यूरिंग बांटते हुए जैसे आपका फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, या आपका बाहर जो है वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लोगों का, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो जिसे आप हमारे साथ जो है शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि जिसके जैसे कि हमारे थ्रू जो है आपका ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचे और लोग अपने आप को थोड़ा बहुत जो सुधारने की कोशिश करें। देखिए सर, फैमिली सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे है मेरे साथ सबका। हाँ, मगर इस तरह की कोई मिसहैपनिंग तो हुई नहीं। बाकी हाँ, थोड़ा सा जब किसी लोग को ढूंढने जाता हूँ, खासतौर से दोपहर, गर्मियों का मौसम है, जून का महीना है, थोड़ी परेशानी तो सर मुझे भी होती है क्योंकि इतनी गर्मी में भी झेल नहीं पाता। मगर मैं ये सोचता हूँ जब हम अपनी कार के अंदर बैठ के एसी में चलते हैं और जब भी हमारे को ठंडे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मैं ये सोचता हूँ, हैरान होता हूँ, और जो खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है जी जी गर्मी के अंदर, उसकी क्या हालत होती होगी। मैं तो अपने हर वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, सर
कम से कम एक पानी की बोतल 10 रुपए की चाय किसी गरीब को रोज एक आदमी देते हो, कितनी अच्छी बात है। और महीने में एक आदमी सिर्फ एक भूखे को रोटी, सिर्फ एक महीने में एक आदमी एक टाइम का खाना खिलाते हो, तो मैं सोचता हूँ कोई भूखा नहीं रहेगा। आज आप जैसे हमारे साथ थे तो हमने देखा बड़ा एक स्पेशल तरीका देखा कि भाई जैसे आप जो है किसी को फालतू पैसे भी दे रहे हैं, तो एक वक्त ये होता है कि लोग ये समझ लें कि हमारे को ये भीख देने के लिए आ रहा है, जबकि हम तो जो है मेहनत कश मजदूर हैं और हम मेहनत करें, हमारे को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। तो आपने बड़ा नायाब तरीका निकाला कि भाई किसी के 40-50 रुपए के सामान को ज्यादा में जो आपने जो है पेमेंट करी 500 रुपए दिए, देखिये बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके की आइडियाज या इंस्पिरेशन ये आपको कैसे मिली? देखिये सर, पता है क्या, अगर हम किसी से बोलेंगे ना किसी के साथ अच्छा करो, किसी की मदद करो, कोई नहीं करेगा। तो हम क्यों ना कुछ इस तरह का काम करें कि वो आगे के लिए वो तैयार रहे उसकी मदद करने के लिए। अगर मैं उससे बोलता कि आप ऐसा कुछ करो, वो करते नहीं। तो मैंने जिस तरह से कहा, जितने उनके 40-50 रुपए की चाय थी, फिर मैंने उन्हें 500 रुपए दिए, उससे आगे के लिए वो किसी के लिए मदद के लिए तैयार रहेंगी। तो मैं एक तरीका होता है घूम के घुमा के बात करने का, तो मैंने उनको इशारों में ये समझाया अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और वो अच्छा उनको मिला। चलिए बहुत बेहतरीन है। इनके साथ हम ये रामघाट के एरिया में जो है मैं पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक बहुत स्टोरी जो है वो हमारा इंतजार कर रही है। लास्ट लाइन न्यूज का ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनका भी ये रामघाट इंतजार कर रहा है, क्योंकि देखा व्यवस्थित नहीं था पूरी तरीके से कि यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है और लोग कैसे भी अपनी जीविका कमा रहे हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ के लोगों को शिकायत भी है जो उन्होंने ऑफ कैमरा हमारे को बताई, तो हम सोचेंगे और इस पे हम विचार करेंगे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्ट आउट करा जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले टाइम में हम कुछ स्टोरीज भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो परवेज साहब, जैसे हम आपके साथ घूमे हमारे को तो खैर बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरीके का अच्छा काम कर रहे हैं तो उस अच्छे काम के साथ आप बने रहें और लोगों को जो भी आप खाना वगैरह बांटते हैं, जिस भी तरीके से पैसे देने की कोशिश करते हैं। और अमूमन इनके ऊपर जो है कई जैसे ट्रोलर्स होते हैं उनके इल्जाम भी लगते रहेंगे कि तुम दिखावा करते हैं, तो ये लास्ट लाइन की जो है पूरी समस्त टीम आप लोगों से भी कहती है कि जिस तरीके का दिखावा मिस्टर परवेज मिर्जा करते हैं, मैं कहता हूँ आप भी उस तरीके का जो है दिखावा करें। आपके दिखावा करने से अगर 10-20-50 लोगों का अगर पेट भर जाएगा तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, और आपको दिखावा करना चाहिए जैसा कि परवेज साहब दिखावा करते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, तो लोग मुझे लिख के भेजते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो मैं दिखावा कर रहा हूँ, इसी दिखावे के अंदर किसी के पेट में रोटी तो जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ आप भी रोज चीज है। आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप लोग भी दिखावा करिए। अगर चार लोग भी करेंगे तो अगर एक आदमी को एक आदमी ने खाना खिलाया तो चार लोग के और पेट में रोटी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। मैं तो कहता हूँ दिखावा करो तो सही, आओ तो सही फील्ड के अंदर। मैं तो सर यही कहता हूँ, समय का भी अभाव है और आपके साथ हमने जो समय गुजारा वो हमारे को वाकई बहुत अच्छा लगा, और ये शायद हम आपके साथ गुजारा हुआ समय नहीं भूल पाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों के साथ बने रहें और उनके लिए परोपकार का जो है काम करते रहें। तो मैं आपको तहे दिल से जो है धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि आपने देखा परवेज साहब थे फुकरे फैमिली के, इनका जो चैनल है और इनका जो है व्लॉग है फेसबुक पर भी ये मौजूद है, आप इनको लाइक कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं और इनको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। कम से कम ट्रोल ना करें, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको अच्छा काम करने दिए, और इनकी हिम्मत बनिए, इनकी कमजोरी मत बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज दिल्ली।